हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज नई यूनिट शुरू कर रहे हैं अपन। अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड चार पोर्शन हैं। आज हम शुरू करेंगे इसमें अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है अमीनो और एसिड, यानी जिन कार्बनिक यौगिकों में अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, अमीनो यानी NH2 ग्रुप और एसिड यानी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड। अमीनो यानी NH2 ग्रुप, एसिड यानी COOH। तो जिन कार्बनिक यौगिकों में, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अमीनो और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स होते हैं, अपनी बॉडी का मेन पार्ट होता है, अपनी बॉडी कंस्टिट्यूएंट में अपन पढ़ते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स की यूनिट्स हैं, वही मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमीनो एसिड्स का। तो जब प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तो इसमें लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या मिलना चाहिए हमें, अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो प्रोटीन है, प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का होगा तो पेप्टाइड, और जब पेप्टाइड्स का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड। ठीक है, तो प्रोटीन के जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कम से कम 25 प्रकार के अमीनो अम्ल है वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपन जो अमीनो एसिड्स हैं इनका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, यानी किसी भी अमीनो एसिड में NH2 और COOH ग्रुप है, इनकी संख्या के आधार पर। तो इनकी नंबर के NH2 ग्रुप है वो बेसिक नेचर का क्षारीय प्रवृत्ति का है, और COOH उसकी नेचर कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। तो ये एक है क्षारीय प्रकृति का और ये अम्लीय प्रकृति का। तो अगर ये ज्यादा संख्या में है तो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये ज्यादा संख्या में तो क्षारीय अमीनो अम्ल हो जाएगा, और अगर दोनों इक्वल है तो वो कौन सा होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग तीन टाइप के अमीनो एसिड हो गया। फर्स्ट है न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल यानी NH2 ग्रुप और जो COOH ग्रुप है उनका नंबर क्या होगा, सिमिलर। तो किसी भी अमीनो एसिड में जितने NH2 ग्रुप है अगर उतने ही COOH ग्रुप है उसको अपन क्या कहेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसका सबसे सिंपल जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, COOH है। अगर एक हाइड्रोजन की जगह यहां CH3 आ गया, NaD, तो यहां पे भी देखो NH2 और COOH दोनों एक एक है, यहां पे भी दोनों एक एक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, आपने न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल जहां पे NH2 और COOH है दोनों की संख्या है वो बराबर होगी। दूसरा देखो, तो न्यूट्रल में हम एग्जांपल लेंगे तो किसका दे सकते हैं, यहां पे ग्लाइसिन एंड एलेनिन, बी बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड है उनमें क्या होगा, मोर NH2 ग्रुप, यानी NH2 ग्रुप की संख्या है वो COOH के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पे देखो CH
NH2COOH, ये तो न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे CH2 4 NH2। लाइसिन, इसके अलावा और हो सकता है इसमें आर्जिनिन, इसमें भी NH2 ग्रुप है, उसकी संख्या ज्यादा होती है। तो बेसिक अमीनो एसिड में क्या दे सकते हैं अपन, एक लाइसिन आ जाएगा और दूसरा कौन सा आ जाएगा, आर्जिनिन। सी आता है एसिडिक अमीनो एसिड। तो जो एसिडिक अमीनो एसिड है इसमें क्या होगा, मोर COOH ग्रुप, यानी यहां पे COOH ग्रुप है, इसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। CH NH2 COOH CH2 COOH। एस्पार्टेमिक एसिड, और हो सकता है यहां पे CH2 अगर दो है COOH CH NH2 COOH। ग्लूटेमिक एसिड, क्लासिफिकेशन अपन ने किया कि किसी भी अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप है वो कितनी संख्या में प्रेजेंट है, दोनों इक्वल हुए, न्यूट्रल अमीनो एसिड ग्लाइसिन और एलेनिन। अगर बेसिक अमीनो एसिड NH2 ग्रुप है वो ज्यादा संख्या में होंगे, लाइसिन और आर्जिनिन इसके एग्जांपल आ जाएंगे। और एसिडिक अमीनो एसिड जहां पे COOH, यहां देखो दो COOH है, NH2 केवल एक ही है, तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, एसिडिक। तो इसमें आ जाएगा एस्पार्टेमिक एसिड और दूसरा कौन सा आ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। अब दूसरे टाइप से क्लासिफिकेशन, ये किसके अकॉर्डिंग किया है अपन ने, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। सेकंड अपन करते हैं कि NH2 और जो COOH ग्रुप है उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। सेकेंड क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप। ठीक है, NH2 और जो COOH ग्रुप है उसकी पोजिशन के अकॉर्डिंग, अगर दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हुए, ठीक है, दोनों एक ही कार्बन से COOH है और एक ही कार्बन पे NH2 है, इसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। भाई COOH है उससे अल्फा हो गया और ये इससे अल्फा पोजीशन, तो एक ही कार्बन से जब NH2 और COOH ग्रुप जुड़े होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा अमीनो एसिड। अगर दोनों नियरेस्ट कार्बन पे है COOH NH2, इसको क्या कहेंगे, बीटा अमीनो एसिड। ये अल्फा और ये बीटा कार्बन, तो COOH से बीटा पोजीशन पे NH2 जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा बीटा अमीनो एसिड। और अगर गामा पोजीशन पे जुड़े हुए हैं CH2 COOH NH2, उसको हम क्या कह देंगे, गामा अमीनो एसिड। इस तरीके से पोजीशन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड और गामा अमीनो एसिड। जब दोनों एक ही कार्बन पे जुड़े हो, अल्फा नियरेस्ट पे हो, बीटा और फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे हो, उसको अपन क्या कहेंगे, गामा अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। एक जो सबसे सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अमीनो एसिड्स होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है मींस इनमें काइरल कार्बन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर देखो, CH2 COOH और NH2, तो ये कार्बन है, इसकी चारों वैलेंसी वो डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि
ये ग्लाइसिन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए तो ये स्टार वाला नहीं होगा, ये काइरल नहीं होगा, ये कैसा होगा, एंकर, ठीक है। अब यहाँ पे एक H की जगह अगर CH3 आ गया, CH3, COOH और NH2, ये कौन सा है, एलेनिन, ठीक है। तो एलेनिन में देखो सारे ग्रुप डिफरेंट है, COOH, NH2, CH3, H, तो ये कैसा होगा, ये काइरल होगा, और जो काइरल कार्बन होता है वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो काइरल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, जो सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं वो कौन सा अमीनो एसिड होता है, एल अमीनो एसिड, ठीक है। जिस तरीके से ग्लिसरेल्डिहाइड का कंफिग्रेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर इसका कंफिग्रेशन दे, ग्लिसरेल्डिहाइड यानी CHO, CH2OH, H और ये OH, ये है ग्लिसरेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो जो OH ग्रुप है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग दो में डिवाइड कर रखा है, एक आ जाएगा कैपिटल डी और दूसरा कैपिटल एल, ठीक है। तो कैपिटल डी का मतलब जिसमें OH ग्रुप है वो राइट साइड में होगा, और एल मीन्स जिसमें OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होगा। तो ये तो ग्लिसरेल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन है, इस ग्लिसरेल्डिहाइड के बेसिस पे ही अमीनो एसिड्स को भी डी और एल कंफिग्रेशन में डिवाइड कर रहा है। इसमें देखो ये ग्लिसरेल्डिहाइड का कंफिग्रेशन है, अमीनो एसिड्स में COOH इस तरीके से दे दिया अपने, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है वो सबसे ऊपर की तरफ आएगा। अब ग्लिसरेल्डिहाइड में OH ग्रुप के पोजीशन के अकॉर्डिंग दिया, अमीनो एसिड में कौन से ग्रुप के पोजीशन के अकॉर्डिंग देंगे, NH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर NH2 ग्रुप राइट साइड में है तो वो कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा, डी अमीनो एसिड, और अगर ये NH2 ग्रुप है लेफ्ट साइड में होता, H NH2 और ये R, तो इसका कौनसा कंफिग्रेशन कहते हैं, एल अमीनो एसिड। जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं जो नेचुरली प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं सबका कंफिग्रेशन कैसा होता है, एल कंफिग्रेशन होता है, ठीक है। सारे अमीनो एसिड्स हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें काइरल कार्बन प्रेजेंट है, एक ही एक्सेप्शन है कौन सा, ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में काइरल कार्बन प्रेजेंट नहीं, ठीक है। तो ये हो गई इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, डी एल कंफिग्रेशन इनका किस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें देखो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। असेंशियल कोई भी चीज असेंशियल कौन सी होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो टोटल प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए अपनी बॉडी में 20 अमीनो एसिड चाहिए, 20 में 10 अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन 10 जो अमीनो एसिड जो बचे हुए हैं उनको हमारी बॉडी है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो हमें फूड के थ्रू इनको लेने की जरूरत होती है। लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी है, इनकी कमी आ गई, तब हमारी बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा, कमी हो जाएगी, बीमारियां हो जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो असेंशियल अमीनो एसिड यानी जिन अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं हो सकता, उन्हें बाहर से लेने की जरूरत होती है, उन अमीनो एसिड्स को अपन क्या कहेंगे, असेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब ये 10 अमीनो एसिड है, नाम भी पूछ लेते हैं, आपको सबके नाम याद होने चाहिए, देखो कैसे याद करोगे, टीवी मिल पाथ, ठीक है, टीवी मिल पाथ, फर्स्ट टी है ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन, सेकेंड वी से वैलिन, एम से मिथियोनिन, ट्रिप्टोफेन वैलिन मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसीन,
एल से ल्यूसीन, एक और एल है वो लाइसीन, एल वाई सी आई एन ई। पी से फिनाइल एलेनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और एच से आ जाएगा हिस्टिडिन। ठीक है, तो टीवी में पाथ ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसीन, फिनाइल एलेनिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और लास्ट कौन सा आ जाएगा हिस्टिडिन। तो ये 10 जो अमीनो एसिड्स है वो असेंशियल अमीनो एसिड है और इन्हें हमें डाइट के थ्रू लेने की जरूरत होती है, तभी हमारी बॉडी का अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है। अगर इनकी कमी रह गई तो कोई भी बीमारी हो जाएगी और हो सकता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए और डेथ हो जाए। कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी क्यों होगी, क्योंकि ये अमीनो एसिड है वही पर्टिकुलर प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, तो उस प्रोटीन की हमारे शरीर में कमी आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस। ओके, थैंक यू।